हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल्दी वाले दूध के बारे में। क्या इसका सेवन से आपको कोई फायदा होगा या नहीं होगा? तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, वैसे पहले भी हल्दी वाले दूध के ऊपर एक वीडियो बन चुकी है, ये दूसरा पार्ट है। जो बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे वो बातें हमने उस वीडियो के अंदर नहीं की। जिन लोगों को पेशाब के साथ सफेद पानी गिरता हो, जिन लोगों को नाइट फॉल की या स्वप्न दोष की समस्या हो और इस समस्याओं का कारण आपके लिवर के अंदर दिक्कत होना हो, मतलब आपके पेट में गैस रहती हो या आपको कब्ज रहती है या आपके अंदर तेजाब बनता है, आपको खट्टे डकार आते हैं, तो ऐसे लोगों को हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग सीधी सेक्सुअल प्रॉब्लम की दवा लेनी शुरू कर देते हैं, मतलब पेनिस की इरेक्शन की दवा लेनी शुरू कर देते हैं। जब तक ये तीनों चीजें ठीक नहीं होती, अगर पेट में गैस बनती है या कब्ज रहती है या तेजाब बनता है और इस वजह से धात गिरती है, मतलब सफेद पानी गिरता है या नाइट फॉल होता है, तब तक कोई भी पेनिस की इरेक्शन की या टाइमिंग की दवा काम नहीं करेगी। बहुत से ऐसे वैद्य हैं जो मरीजों को बेवकूफ बनाते हैं, सीधी उनकी टाइमिंग की दवा शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग पहले हल्दी वाले दूध का सेवन करें। हल्दी वाला दूध उनको इन समस्याओं में बहुत ज्यादा राहत देगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको गर्म दूध का सेवन नहीं करना, दूध गुनगुना होना चाहिए। ठंडा दूध चल जाएगा लेकिन गर्म दूध नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का होमोग्लोबिन कम है, जिन लोगों को ब्लड फ्लो की समस्या हो, जिन लोगों के अंदर आयरन की कमी हो, ऐसे लोगों को हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं करना होता। तो ऐसे लोग किसी और नुस्खे का सेवन कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा चैनल है टेकी इंजीनियर, उसके ऊपर बहुत सारे नुस्खे हैं, आप वहां से उठाकर किसी भी नुस्खे का सेवन कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जिन लोगों के आयरन के लेवल्स बिल्कुल सही हैं, सिर्फ वही इस नुस्खे का सेवन करें, बाकी लोग इस नुस्खे का सेवन नहीं करें। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।